नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में। आज की आम आदमी से जुड़ी मुख्य खबरों को जान लेते हैं। आज के हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में हम ये समझेंगे कि कोरोना संकट के बीच रोजगार ढूंढ रहे लोगों के लिए क्या है ये अच्छी खबर। रेलवे का सफर अब कैसे होगा महंगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए क्या है ये बड़ी खबर। ICICI बैंक अपने ग्राहकों के लिए ये कौन सा बम्पर ऑफर लाया है। इंडिगो एयरलाइंस की अपने ग्राहकों के लिए क्या है ये गुड न्यूज। PNB ग्राहकों के लिए क्या है खुशखबरी। ESIC लाभार्थियों के लिए क्या है खुशखबरी। और RBI ने अब किस बैंक का लाइसेंस किया है रद्द। ऐसी ही तमाम आम आदमी से जुड़ी खबरें हम आपको हमारे इस खास बुलेटिन में बताएंगे। चलिए दोस्तों, आज के हमारे इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस कोरोना संकट के बीच में आ रही रोजगार की अच्छी खबर से। दरअसल जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है, वैसे वैसे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इस कड़ी में एक सर्वे की रिपोर्ट में कहा गया कि जनवरी मार्च 2021 के दौरान दिसंबर 2020 में खत्म हो रही तिमाही के मुकाबले ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। मैन पावर ग्रुप एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे के मुताबिक 2021 की पहली तिमाही में रोजगार के बढ़ने की उम्मीद है। इस सर्वे में देश के 1518 कंपनियों को शामिल किया गया और 2021 की पहली तिमाही में रोजगार के क्षेत्र में 5% बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। सर्वे में दिसंबर तिमाही के मुकाबले नई नौकरियों के मामले में 2021 के पहले 3 महीनों के दौरान 2% बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। साथ ही कहा गया कि फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज्यादा नियुक्तियां होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इनके अलावा सभी सेक्टर्स में इस तिमाही में नेगेटिव ग्रोथ रह सकती है। अगली बड़ी खबर भारतीय रेलवे से जुड़ी है। दरअसल अब देश के बड़े रेलवे स्टेशनों से ट्रेन से सफर करना महंगा हो सकता है। खबरों के मुताबिक सरकार इसी महीने में बड़े स्टेशन से यात्रा करने पर यूजर डेवलपमेंट फी यानी कि UDF को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही रेल यात्रियों से एयरपोर्ट पर लगने वाले UDF की तर्ज पर ही रेलवे स्टेशनों पर भी इसे लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में रेल यात्रियों को हर टिकट पर 10 से 40 रुपए तक का यूजर डेवलपमेंट फीस देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने नई दिल्ली, मुंबई CST, जयपुर, नागपुर, अहमदाबाद, हबीबगंज, चेन्नई और अमृतसर जैसे कई स्टेशनों को इस लिस्ट में शामिल किया। ऐसे में अगर आप इन रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने के लिए जाएंगे तो आपको ये UDF चुकाना होगा। सरकार देश के बड़े स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए PPP मॉडल पर काम कर रही है। इस स्टेशन पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत स्टेशन को प्राइवेट प्लेयर को सौंपा जाएगा, जहां इसके बाद उस स्टेशन को रीडेवलप कर आधुनिक और तमाम यात्री सुविधाओं के साथ तैयार किया जाएगा। हालांकि रेलवे यूजर डेवलपमेंट फीस की वसूली तुरंत शुरू नहीं करेगा। ये तभी लागू होगा जब स्टेशन पूरी तरह से रीडेवलप हो जाएगा और यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। माना जा रहा है कि 2022 और 2023 में ये शुल्क लागू हो सकता है। रेलवे की ओर से अलग अलग क्लास पर अलग अलग फीस वसूली जाएगी। जैसे AC 1 पर 35 से 40 रुपए, सेकंड AC पर 25 से 30 रुपए, थर्ड AC पर 20 रुपए तक के फीस देनी पड़ सकती है। जनरल टिकट वाले यात्रियों को ये फीस नहीं देनी होगी। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो इस खबर को ध्यान से समझ लीजिए। दरअसल कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए देश को लॉकडाउन किया गया था और उस दौरान प्राइवेट सेक्टर से लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को घरों से ही काम करने को कहा गया था। ऐसे में अगर आप केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं और कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने ऑफिस न जाकर वर्क फ्रॉम होम किया है तो आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने ऑफिस मेमोरेंडम के इस पर स्पष्टीकरण दिया है। 1 दिसंबर 2020 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम में ये कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा भत्ता उनके घर से ऑफिस तक आने में हुए खर्च की भरपाई के लिए दिया जाता है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों ने अगर अपने घरों से ही काम किया है और वो ऑफिस नहीं आए तो वो पूरे महीने का यात्रा भत्ता लेने के हकदार नहीं होंगे। इसके साथ ही DOPT के ताजा ऑफिस मेमोरेंडम में ये भी कहा गया कि लॉकडाउन के दौरान जिन गर्भवती महिला और विकलांग कर्मचारियों को ऑफिस आने से छूट दी गई थी उन्हें भी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन्हें भी ऑफिस आने के लिए एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ा।
दोस्तों अगली खबर आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों के लिए है। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप आई मोबाइल को एक ऐसे ऐप में तब्दील कर दिया जो किसी भी बैंक के ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं देगा। इस ऐप के जरिए ग्राहकों को कई तरह की सेवाएं मिलेंगी, जैसे किसी भी यूपीआई आईडी या व्यापारियों को भुगतान, बिजली बिल भरना और ऑनलाइन रिचार्ज करना। इसी के साथ साथ ये ऐप इंस्टेंट बैंकिंग सेवाएं जैसे बचत खाता, निवेश, ऋण, क्रेडिट कार्ड, उपहार कार्ड, यात्रा कार्ड जैसी सुविधाएं भी देगा। जब आई मोबाइल पे के यूजर्स किसी भी बैंक खाते, भुगतान एप्लीकेशन और डिजिटल वॉलेट में भी पैसा ट्रांसफर कर सकेंगे। ग्राहक आई मोबाइल पे के जरिए पे टू कॉन्टेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ ही साथ आई मोबाइल पे का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को कई तरह के ऐप रखने की जरूरत भी नहीं होगी। देश के किसी भी बैंक के ग्राहक आई मोबाइल पे पर तुरंत वित्तीय लेन देन शुरू करने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बैंक खातों को लिंक करके सभी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए यूपीआई आईडी जनरेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूपीआई आईडी दरअसल उनका मोबाइल नंबर ही है। दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर लेकर आई है। दरअसल देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच कई यात्रियों ने लॉकडाउन में टिकट बुकिंग कराई थी और कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश के लिए लगाए गए लॉकडाउन के चलते ये उड़ानें रद्द कर दी गई थी। उन सभी यात्रियों का पैसा कंपनी ने 31 जनवरी 2021 तक वापस लौटाने की घोषणा की है। दोस्तों एयरलाइन ने रद्द टिकटों पर क्रेडिट शेल का इस्तेमाल उसी यात्री द्वारा भविष्य में यात्रा की बुकिंग के लिए किया जा सकता है। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान विदेश में फंसे यात्रियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन चलाया गया और कई देशों के साथ एयर बबल करार किया। कोरोना वायरस महामारी के चलते DGCA ने भारत के शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों की आवाजाही पर प्रतिबंध 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 30 नवंबर तक प्रतिबंध था। हालांकि इस दौरान वंदे भारत मिशन के तहत जाने वाली उड़ानें जारी रहेंगी। क्या आपका भी डेबिट कार्ड खो गया? क्या आप भी कार्ड खो जाने के डर से परेशान हैं? अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब PNB ग्राहक सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करके अपने खोए हुए डेबिट कार्ड को आसानी से पा सकते हैं। बता दें पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए PNB वन ऐप लेकर आया। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे ही सभी बैंकिंग कामकाज कर सकते हैं। PNB ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगर आपका डेबिट कार्ड खो जाए तो आप मिनटों में इसको पा सकते हैं। 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना PNB डेबिट कार्ड पा सकते हैं। सबसे पहला, परेशान न हो। दूसरा, PNB वन मोबाइल ऐप खोलें। और तीसरा, डेबिट कार्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करके हॉटलिस्ट डेबिट कार्ड ऑप्शन पर जाएं। दरअसल PNB वन एक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है जो एक ही इस ऐप के जरिए आप बिना ब्रांच जाए अपने सभी कामों को निपटा सकते हैं। इसके अलावा ये 24/7 उपलब्ध है। इसके जरिए आप कहीं भी और कभी भी बैंकिंग कर सकते हैं। सेफ्टी की नजर से यह ऐप काफी अच्छा है। इसमें MPIN के साथ बायोमेट्रिक का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा कोई भी लेन देन करने के लिए आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, यानी बिना पासवर्ड के आप कोई लेन देन नहीं कर सकते। इस ऐप की खासियत की बात करें तो इसके जरिए उपयोगकर्ता TDS या फॉर्म 16 प्रमाण पत्र जनरेट कर सकता। इस विकल्प का उपयोग करके डुप्लीकेट चालान बनवा सकता है। PNB वन से लॉग आउट करते समय एक फीडबैक का ऑप्शन भी दिखाई देगा। उपयोगकर्ता अपने डेबिट कार्ड के लिए पिन सेट या रीसेट कर सकता है और अपने सुकन्या समृद्धि खाते को भी PNB वन ऐप से लिंक कर सकते हैं और राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने महाराष्ट्र के कराड में संकटग्रस्त कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। केंद्रीय बैंक ने पर्याप्त पूंजी नहीं होने और बैंक की आमदनी से जुड़ी भविष्य की कमजोर संभावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया। बता दें कि इस फैसले पर नवंबर 2017 से ही इस बैंक पर रिजर्व बैंक ने कुछ पाबंदियां लगाई हुई थी। RBI ने कहा कि लाइसेंस रद्द होने के बाद अब बैंक पूरी तरह से बंद हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने बैंक का लिक्विडेटर नियुक्त करने के आदेश भी दिया था। RBI के मुताबिक सेक्शन 22 के नियमों के मुताबिक बैंक के पास पूंजी और कमाई की कोई गुंजाइश नहीं है। कराड बैंक बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 56 के पैमानों पर खरा नहीं उतरा। अब बैंक को चालू रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं है। मौजूदा स्थिति में बैंक अपने डिपॉजिटर्स को पूरा पैसा नहीं दे पाएगा, इसी वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया गया।
साथ ही केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी, इसी वजह से उसका लाइसेंस रद्द किया गया। साथ ही केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 यानी कि DICGC एक्ट 1961 के तहत लाइसेंस रद्द होने के बाद भी 99% जमाकर्ताओं को उनकी पूंजी वापस मिल जाएगी। RBI ने कहा है कि बैंक के लाइसेंस को रद्द करने और लिक्विडेशन की कार्रवाई शुरू करने के साथ ही जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने का काम शुरू हो जाएगा। बता दें कि लाइसेंस रद्द करने का फैसला 7 दिसंबर के कामकाज के बाद प्रभावी हो गया। इसके प्रभावी होने के साथ बैंक का बैंकिंग से जुड़ी कोई गतिविधि नहीं कर सकता। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC लाभार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दरअसल ESIC ने लाभार्थियों को आपात स्थिति में किसी भी नजदीकी निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ESIC की योजना के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों और लाभार्थियों को पैनल में शामिल या उससे बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिए पहले ESIC अस्पताल में जाना होता है, वहां से फिर से उन्हें रेफर करते हैं। ESIC के बोर्ड में शामिल तिवारी ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने जैसे आपात चिकित्सा मामलों में ये निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि दिल का दौरा पड़ने पर तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है। ESIC लाभार्थी आपात स्थिति में इलाज के लिए पैनल में शामिल या बाकी निजी अस्पतालों में जा सकते हैं। जहां पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज कैशलेस होगा, वहां अन्य निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च का भुगतान कर उसे बाद में वापस लिया जा सकता है। इसकी इलाज की दरें केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा दरों के अनुसार होंगी। उन्होंने आगे बताया कि अगर 10 किलोमीटर के दायरे में कोई ESIC या निजी अस्पताल नहीं है तो गैर निजी अस्पतालों में सब्सक्राइबर्स को स्वास्थ्य सेवाएं लेने की अनुमति मिलेगी। राज्यों के पास अभी तक 110 अस्पताल हैं जिन पर ESIC लाभार्थियों का इलाज किया जा रहा है, जिसके लिए ESIC सेवा शुल्क का भुगतान करता है। वे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार सेवाएं जारी रखेंगे।